हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ नया चीज़ लेकर आई हूँ। आप लोगों ने स्विच वर्ड्स, एंजल्स नंबर्स सब पे वीडियोस देखी हैं, पर क्या आप जानते हैं इत्र इत्र हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है? इत्र का भोग क्यों लगाते हैं हम? भगवान को क्यों अर्पित करते हैं? आजकल हम सब लोग इत्र लगाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, बट भगवान को आपने कभी सोचा हम कौन सा इत्र लगाते हैं, कौन सा लगाना चाहिए? कि आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगी। आपको मालूम है महालक्ष्मी को, लक्ष्मी जी को क्या पसंद है? गुलाब का इत्र। गुलाब का इत्र लक्ष्मी जी को अर्पित करें और फिर वो इत्र आप अपने आप भी लगाएं, ठीक है? नेक्स्ट है कृष्ण जी का, राधा जी का, उन्हें कस्तूरी इत्र बहुत पसंद है। अगर आप चाहते हैं उनको खुश करना तो आप उनको कस्तूरी इत्र भी लगा सकते हैं। ये दो इत्र तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे राशि के अनुसार भी इत्र होते हैं, जैस्मिन होता है, चॉकलेट होता है, ऑरेंज होता है, बट ये दो इत्र जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो आपको यूज़ करना चाहिए भगवान के लिए और अपने लिए भी। बट ये जो इत्र प्योर लीजिएगा, अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या हाँ से लेना है, क्या करना है, मैं आपको बता दूँगी ये। लेकिन ये इत्र भगवान को ज़रूर अर्पित करें, फिर खुद भी लगाएं ये इत्र। थैंक यू फ्रेंड्स।